नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू कार्स सॉरी टू कार्ड्स ऑफ मासेज टू हंड्रेड के जी एंड थ्री हंड्रेड के जी ऑन हॉर्जोंटल रेज आर पुश्ड अपार्ट. सपोज द कोविशन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कार्ड्स एंड द रेल्स आर सेम इफ टू हंड्रेड के जी कार्ड्स ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ थर्टी सिक्स मीटर एंड स्टॉप्स देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार्ड वेंग थ्री हंड्रेड के जी विल बी और चार ऑप्शन अपने को दिए हुए ऑप्शन है ट्वेल्व मीटर या फिर सिक्सटीन मीटर ट्वेंटी फोर मीटर या फिर थर्टी टू मीटर नाउ ये सवाल लॉन्ग 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 बैद बहुत पहले uh, 1989 में सवाल ये पूछा हुआ है और बहुत सारी किताबों में सवाल आपको दिख जाएगा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ ऑल दो आई डो नॉट एग्री विद इट बिकॉज इस सवाल में इंफॉर्मेशन uh, मिसिंग है लेकिन ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल में आपको सवाल मिलेगा और आपको ऑन एंड ऑफ ये अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के uh, टेस्ट में भी कई बार ये सवाल देखने को मिल जाता है तो मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो उसका सोल्यूशन है वो क्यों है लेकिन अपने आप में सवाल क्लियर नहीं है मैं दोनों बातें आपको समझाता हूँ सो सिचुएशन ये है कि ये आपका एक ब्लॉक ए जिसमें आपको और ये आपका ब्लॉक बी और ये आपने आ, इस ब्लॉक को इधर धक्का दिया है इस ब्लॉक को इधर धक्का दिया है ब्लॉक ए का वजन है अपना 200 सौ के लीजिए और ये वाला है आपका तीन सौ के जी और हमें यह दिया है कि टू के जी ट्रेवल्स थर्टी सिक्स मीटर ये वाला वो जाके आपका थर्टी सिक्स मीटर चल के यहाँ पर रुक जाता है सवाल यह है कि ये एक्स कितना चलेगा एक्स जो इस तरफ चलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी हमें बताना है राइट right. यहाँ पे सारे लोग मोस्टली पॉपुलर बुक्स में आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा कि एस इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय एम स्क्वायर ठीक है और उसके बेसिस पे सॉल्व कर देते हैं ना इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने 2001 का सवाल सॉल्व किया था उसमें हमने वैल्यू डिराइव की थी दिस वॉज अंडर अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन मैं आपको रिजल्ट याद दिलाता हूँ हमने यहाँ लिखा था एस विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू म्यू एम स्क्वायर जी ये उस केस में आया था जब हम दोनों का मोमेंटम पी की बात कर रहे थे तो इस केस में अगर आपका इसका और इसका मोमेंटम बराबर है तब ये कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं सवाल में यहाँ पे क्लियर नहीं है कि दोनों का मोमेंटम बराबर है सो so, श्योर uh, sure, हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए दैट्स अ सेपरेट पार्ट पर मान लीजिए अगर हम यहाँ लगा सकते हैं हम एक लाइन और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर कि दोनों का मोमेंटम सेम है अगर उस केस में मोमेंटम सेम है तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा एस इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई एम स्क्वायर यानी कि इसका एस ए डिवाइडेड बाई एस बी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये होएगा एम बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ए का स्क्वायर अपने को एस बी की वैल्यू निकालनी है कितना ट्रेवल करेगा बाकी सारा डेटा दिया हुआ है इम्प्लाइज एस बी विल बी इक्वल टू एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम बी का स्क्वायर या दोनों का ऐसा कर लेते हैं कम्बाइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एस ए तो एस बी की जो वैल्यू आ गई एम uh, ए अपने को दिया हुआ है 200 सौ डिवाइड बाय तीन सो दो सौ डिवाइडेड बाय तीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये छत्तीस अपने को दिया ही है सो so ये हो जाएगा टू बाय थ्री टू बाय थ्री का स्क्वायर यानी कि फोर बाय नाइन मल्टीप्लाइड बाय थर्टी सिक्स डिवाइड होके ये बन गया फोर यानी कि सिक्सटीन मीटर इसका आंसर आ जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे कंडीशन और होनी चाहिए कि अगर हम इसको कंडीशन को लगा पा रहे हैं कि एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर उस केस में फ्रिक्शन तो हमें सेम दिया है लेकिन हम मोमेंटम भी सेम मान के यहाँ पे यजामशन यह कर रहे हैं तो इस छोटी सी चीज़ का ध्यान दीजिएगा हालाइट सो ऑप्शन नंबर सी इन दिस कंडीशन वुड बी द राइट आंसर